अखबार एंड आप स्टॉक में विंग्स के अंक ऊपर की तरफ होंगे एंड बैकवर्ड और पीछे की ओर। वो किसका दे लो? नहीं वो एक ही सेम ही बुक है। हेलो तुम यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ो, ये रख लो। यहाँ से पढ़ के सुनो, तुम भी देखते जाओ सही पढ़ रहा नहीं। यहाँ पे फिंगर रख लो ना जहाँ से हम पढ़ते हैं, यहाँ से वाई पढ़ना। इन डाउन स्टॉक पुश्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड। डाउन स्ट्रोक में विंग्स क्या होंगे? नीचे की तरफ और आगे की तरफ मुड़ते हैं। लिफ्ट द बर्ड्स इनटू द एयर एंड द बर्ड फ्लाइज। और ये क्या करते हैं? लिफ्ट द बर्ड को इनटू द एयर, हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं और बर्ड उड़ पाती है। अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक क्या है कि मूवमेंट है इसका, हिलना डुलना पंखों की हेल्प से। उसको अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक कहते हैं। फेदर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बर्ड बर्ड्स बॉडी। देखो कहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पे फिंगर रखो तुम अपनी, है ना, यहाँ पढ़ रहा है। रुको, फेदर्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं किसमें? बर्ड की बॉडी में फेदर्स होते हैं पंख। दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। बर्ड को उड़ने में कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है बर्ड को उड़ने में? फेदर्स, पंख। और ये हेल्प करते हैं बर्ड को उड़ने में कौन? फेदर्स। और साथ में कीप द बॉडी को गर्म भी रखते हैं, उसको शेप देते हैं। आगे बढ़ो। फेदर्स आर ऑफ थ्री टाइप। फेदर्स थ्री टाइप्स के हैं। बॉडी फेदर कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड। एक बॉडी के ऊपर होते हैं इनके पूरे फेदर, उससे पूरा शरीर इनका ढका होता है। आगे बढ़ो। हाँ, इसका मतलब निकला है। दे ऐसे हिंदी निकाल के पढ़ना जो भी पढ़ना। दे गिव शेप टू द बर्ड। और ये जो फेदर्स होते हैं ना पंख, इससे इनके शरीर को क्या एक शेप मिलती है इनकी बॉडी को बर्ड की। डाउन फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी अंडरनीथ द बॉडी फेदर्स। जो डाउन फेदर्स है वो कहाँ होते हैं? बिल्कुल बॉडी के पास होते हैं ना, बॉडी फेदर्स के भी नीचे होते हैं, पंखों के ऊपर नीचे पंख से रहते हैं ना इनके बर्ड्स के। आगे पढ़ो। दे आर फ्लफी एंड सॉफ्ट एंड हेल्प टू कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। ये क्या होते हैं? फ्लफी माने बिल्कुल मुलायम मुलायम से होते हैं ना, एकदम हल्के फुल्के, और सॉफ्ट होते हैं और हेल्प करते हैं बर्ड की बॉडी को क्या गर्म रखने में। इन पंखों की वजह से इनकी बॉडी गर्म रहती है। अभी इसमें बताएंगे, आगे बढ़ो। लाइट फेदर्स, लाइट फेदर्स यानी उड़ने वाले पंख। कुछ तो पंख क्या है शरीर के ऊपर ही रहते हैं, कुछ पंख ऊपर की तरफ जो होते हैं उनसे वो उड़ती है बर्ड। आर लार्ज इन साइज। जो लाइट फेदर्स होते हैं जो उड़ने में, देखो ये उड़ने वाले क्या है, बहुत बड़े बड़े पंख है। साइज में कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। ये जो फेदर्स है ये कहाँ पाए जाते हैं? टेल में, पूंछ में। जो बड़े वाले पंख है फ्लाइट फेदर जो उड़ने में हेल्प करते हैं, कहाँ मिलते हैं? टेल के पास और विंग्स पंखों के पास। बर्ड्स टू लीव देमसेल्व्स एंड बैलेंस फॉर फ्लाइट। ये बर्ड्स को हेल्प करते हैं टू लीव देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा पाती है और अपनी चोंच। सुनो, ये बर्ड्स को क्या है ऊपर उठाने में हेल्प करते हैं और बैलेंस भी कर पाता है। किसकी वजह से? फेदर्स की वजह से। किससे उड़ते हैं? फ्लाइट फेदर्स से। अब बीक्स के बारे में पढ़ना। बीक्स किसे कहते हैं? मेरी चोंच। आगे पढ़ो। बीक फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स वेरी। ये वेरी नहीं है, वेरी अकॉर्डिंग Habits. Habits. क्या बोल रहा है? बीक हो गई, इसकी चोंच हो गया, फीट माने पैर हो गए और पंजे। ये बर्ड को
अलग अलग होते हैं, वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसा खाते हैं ना, ईटिंग जैसी खाने की आदत है जिसके, उसके अकॉर्डिंग उनके पंजे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी चोंच होती है, उसी के हिसाब से उनके पैर होते हैं। उधर रखो अपनी फिंगर, बार बार आगे पहुंचो। टू कैच एंड ईट फूड एंड टू फीड इट्स योर यंग वंस। एक बर्ड क्या है, यूज करती है अपनी बीक को, चोंच का इस्तेमाल करती है पकड़ने के लिए और फूड को खाने के लिए, और अपने यंग वंस किसे कहते हैं, बेबी को, और अपने बेबी को खाना खिलाने में हेल्प करती है कौन, उसकी चोंच। ऑल बर्ड्स ये बोल रहा है सारी बर्ड्स एक जैसा खाना नहीं खाती हैं। फॉर एग्जांपल सम बर्ड्स ईट फ्रूट व्हाइल अदर्स ईट फ्लैश और इंसेक्ट्स। बस जैसे ये बता रहा है एग्जांपल के तौर पे, कुछ बर्ड्स क्या है फ्रूट्स खाते हैं, जबकि कुछ दूसरे बर्ड्स क्या खाते हैं फ्लैश खाते हैं या मांस खाते हैं या इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते हैं कुछ बर्ड्स। ये अपने पंखों को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, बीक का, चोंच से ही अपने पंखों को साफ कर लेती है। अब देखो बीक चोंच को बिल भी कहते हैं, चोंच का दूसरा नाम क्या है बीक का, बिल। अब तुम उधर बैठो, तुम इधर बैठो, चलो आओ इधर। अपनी वो पेंसिल लगा के रखो ना, पेंसिल ले लो, पेंसिल से उल्टी तरफ से लगा के रखिए तो पता रहेगा ना कहाँ से पढ़ रहे हैं। यहाँ से पढ़ोगे आप, लेके आओ पेंसिल फटाफट। डिफरेंट माने अलग अलग टाइप, अलग अलग टाइप की बीक्स होती है, देखो कैसी कैसी बीक है, पढ़ो। लेके आओ अपनी पेंसिल, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड यहाँ से रखो फिंग अपनी। कुछ की कैसी होती है स्ट्रॉन्ग, मजबूत शार्प, बहुत तेज होती है पैनी और हुक जैसी होती है। अब आगे बढ़ो, किसकी होती है ऐसी चोंच, ईगल्स, वल्चर्स, काइट्स, काइट्स चील वगैरह, वो का है इसमें दिखा नहीं रखती, चलो आगे। काइट्स एंड ओल्स कुछ जो तुम्हारी यहाँ पे क्या बताया, कुछ जो बर्ड्स है ना उनकी बीक्स कैसी है, इनकी ईगल हो गया, वल्चर, काइट और आउल, ये फ्लैश खाते हैं मांस, जैसे रेट का और स्नेक का। इसमें देखो ये भी खाते हैं, ये खाती है, ये नहीं खाती, दिखती नहीं है इस पर, ये खाता है बड़ा सा आता है ना, जब बाहर देखते नहीं थे बड़ा सा आता था, ईगल। आगे पढ़ो, अरे फिर दिखाई देगी बहुत आती है वो, यहाँ से पढ़ो। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टियर द फ्लैश इनटू स्मॉल पीसेस। ये वाली जो बर्ड्स हैं इनकी चोंच कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत शार्प होती है, बहुत पैनी होती है, हुक्ड भी मुड़ी हुई होती है, मुड़ी हुई है ना, देखो हुक जैसी मुड़ी हुई है। अगर ऐसे बोले तो टियर माने फ्लैश, मीन जो किसी के मांस को एकदम चीर देती है छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम से, ये वाली बर्ड्स, ईगल, वल्चर, आउल हो गया, काइट हो गई, वल्चर पीछे में दे रखी है, गिद्ध को कहते हैं। चलो स्मॉल पीसेस शिकार वाले बर्ड्स हैं, शिकार करते हैं जो। आगे बढ़ो, शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक। अब कुछ बर्ड्स ऐसी हैं उनकी बीक चोंच कैसी होती है, छोटी होती है, हार्ड होती है और सींग जैसी होती है, देखो ये अभी बताएगा ना, पढ़ो। बर्ड्स विच ईट ग्रेन, जो बर्ड ग्रेन क्या दाने खाती है, यानी गेहूं, चना, चावल, जो भी दानों को खाती है, नट नट ऐसी चोंच होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल पिजन, कबूतर हो गया, स्पैरो है, बोल रही है ना, पीकॉक हो गया, डॉग्स एंड डॉग्स व्हाइट कलर का होता है, इट हेल्प देम टू क्रैक
ये जो चोंच है इनकी हेल्प करती है, जो भी खाने का दाना होगा उसको क्रैक यानी तोड़ने में हेल्प करती है। और यहाँ तक पढ़ो, फिर टुकड़ी से पढ़वाऊंगी, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से अपना पेन रखो ना यहाँ लगा के ऐसे पढ़ो। चलो मैं लगाऊंगी। मजबूत होती है इनकी। But like Hupo and Woodpecker, ये Woodpecker है। इसके ऐसे 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 करते हैं। आगे have strong and chisel-shaped beaks। इनकी चोंच कैसी होती है? बहुत ही मजबूत होती है और बिल्कुल नुकीली सी होती है। जब ऐसे ऐसे नहीं करता वो, दीवार पे छेद मारता। छेद ही करता रहता है लकड़ी में पूरे दिन। आगे पढ़ो। Their beaks help them to make holes in the bark of trees and pull out insects। इनकी जो beaks है वो help करती है इसमें होल छेद बनाने में। इन द बार्क, पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के अंदर क्या है, छेद बना देती है इनकी चोंच। एंड पुल आउट इंसेक्ट, उसमें से कीड़े मकोड़ों को निकाल देती है। कर्व्ड, कर्व्ड माने मुड़ी हुई चोंच। पढ़ो आगे। पैरट्स हैव कर्व्ड बीक। पैरट्स की बीक कैसी होती है? कर्व्ड, मुड़ी हुई। इट जैसे इसकी भी है, इसकी हुक जैसी थी। इसकी कर्व्ड है मुड़ी हुई, उसकी हुक भी थी और नीचे से भी मुड़ी थी ज्यादा। इट हेल्प It to crack nuts and hard foods। ये पैरेट वगैरह ना, इनकी बीक हेल्प करती है नट्स वगैरह को तोड़। नट किसे कहते हैं? बादाम, काजू, ये सबको है ना, हार्ड फूड जो होते हैं। ये बोलता भी है ना, ये अमरूद खाता है, अमरूद भी तो हार्ड होता है ना, उस सबको काट लेता है आराम से। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, इसमें चौड़े होती है इसकी चोंच, फ्लैट बीक चौड़ी होती है। डक और स्वैंस की जो है चौड़ी और फ्लैट बीक होती है, छोटा सा टाइनी होल होता है, साइडों में छेद भी होता है इनकी चोंच के साइड में। मडी वाटर अलोंग विद प्लांट्स एंड इंसेक्ट। ये जमीन से क्या प्लांट और इंसेक्ट जब लेती है तो गंदा पानी भी आ जाता है इनकी चोंच में, तो छेद से क्या बाहर निकल जाता है, इंसेक्ट वगैरह खा लेती है। छेद से बाहर कैसे निकल जाता है? छेद है ना इनके, इसमें बताया ना चोंच में छेद होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, इसमें नजर नहीं आ रहा। नाक चोंच है भैया इनकी, चोंच छेद होते वो नोज नॉस्ट्रिल नहीं है, वो इनकी चोंच में ही छेद होता है। छेद में से पानी जो गंदा होता है नीचे बह जाता है और ये इंसेक्ट या प्लांट जो भी खाना होता है उसको खा लेती है। आगे पढ़ो। उड़ती भी ना व्हाइट कलर की। चलो आगे पढ़ो। द मडी वाटर फ्लोस आउट थ्रू द होल, थ्रू नहीं है, थ्रू द होल, बताया ना होल से मडी वाटर, मिट्टी वाला गंदा पानी नीचे निकल जाता है, ये प्लांट्स एंड इंसेक्ट रह जाते हैं। आगे पढ़ो। Long, broad and pointed beak। लंबी है, चौड़ी है, नुकीली, पॉइंट वाली है एकदम बीक इसकी। किंगफिशर, देखो किंगफिशर दिखा रखा है। ये रहा किंगफिशर नहीं है, ये रहा नाम लिखा है ना नीचे, ये रहा। आगे बढ़ो। सुनो तो मुझे ये सुन के, देखो यहाँ ये भी है किंगफिशर। वेरी गुड, दो जगह दिखा दिया तुम्हें तो किंगफिशर तो मैं। चलो अब आगे पढ़ो। किंगफिशर्स एंड किंगफिशर एंड क्या करते हैं? फिश को खाते हैं। They have long, broad and pointed beaks to pick up fish from water। पानी में से फिश को उठा लेते हैं। इनकी लॉन्ग चौड़ी, ब्रॉड, लॉन्ग माने लंबी, ब्रॉड चौड़ी और पॉइंटेड होती है इनकी। चलो भाई आओ तुम इधर, अब उधर जाओ, प्लेस चेंज करो। हो गया पूरा लेसन पढ़वा दूं? नहीं नहीं हो जाएगा, उधर बैठ जाओ पढ़वा देती हूँ। चलो चेंज हो गया। अब क्या से पैर और पंजे डिफरेंट बर्ड्स अलग अलग बर्ड के क्या है, अलग अलग तरह के पैर होते हैं, अलग अलग पंजे होते हैं। टू बर्ड्स हैव टू
लेग्स लेग्स एंड टू फीट। हाँ, बर्ड के देखो क्या बताया, दो लेग होती हैं और दो पैर, दो टांगे। यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमीज ये क्या करते हैं, बर्ड्स के क्या है, दो लेग होते हैं, दो पैर होते हैं ना, दो टांगे थे। यूज देयर अपने फीट, पैरों का इस्तेमाल किया, क्लो पंजे जो कहते हैं जिन्हें, उनका इस्तेमाल क्या करते हैं, पकड़ने के लिए, बड़े पंजे ऐसे पकड़ लेता पंजे से, एंड ईट फूड और खाना खाता है, और उन्हीं पंजों की वजह से वो क्या है, दुश्मन से अपनी प्रोटेक्शन सुरक्षा भी करता है। पंजे देखो कितने नुकीले हैं बर्ड्स के, चिड़िया के। आगे बढ़ो, मत हिलाओ, शांति से देखो। पर्चिंग बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड्स क्रो एंड स्पैरो सीट ऑन ट्री एंड वायर्स वायर्स बाय ग्रिपिंग ग्रिपिंग द ब्रांच ब्रांच और वेयर वायर। बस क्रो कौवा हो गया, और चिड़िया जो दिखाई थी पीछे छोटी स्पैरो है ना, वो पेड़ों पे बैठती है और तारों पे बैठती है, और अपने किससे, क्लॉ से पकड़ के बैठती है, पर्चिंग जो पकड़ के बैठ जाती है, इसलिए उनको पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं। टोज टोज लाइक वी यूज आवर फिंगर्स, ये सामने के पैरों की जो उंगली वगैरह होती है ना, इसकी उनका इस्तेमाल कैसे करती है, फिंगर्स के रूप, जैसे हम उंगली का इस्तेमाल करते हो, पैरों के उंगली का इस्तेमाल करती है। बैग बैग टो बैग टो इज यूज्ड लाइक आवर आवर हम, पीछे के जो पैर है, पैर की जो उंगली वगैरह है, उसका इस्तेमाल अंगूठे के रूप में करती है। अब यहाँ से पढ़ो, स्ट्रेचिंग बर्ड्स, स्ट्रेचिंग बर्ड्स, स्ट्रेचिंग बर्ड्स लाइक बर्ड्स लाइक हैंड्स हैव शार्प स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग क्लॉज क्लॉज। इसमें बोला है बर्ड, जैसे कौन सी बर्ड है, हैंड भी क्या है, एक बर्ड है, उसके पंख होते हैं ना मुर्गी के, तो उसके वो भी क्या है, एक बर्ड है, उसके शार्प और स्ट्रेचिंग क्लॉज होते हैं। स्ट्रेच माने खरोचने जैसे। हाँ, आगे दे स्क्रैच द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट एंड ग्रेन्स, ये क्या करती है, जमीन को खोदती रहती है, स्क्रैच को खोदती रहती है, किसके लिए, क्या खाती है, जमीन में से इंसेक्ट कीड़े मकोड़े और ग्रेन्स खाती है। ये वुड पैकर है, आ जाओ भाई इधर, आओ जल्दी, जल्दी आओ, अरे जल्दी पढ़ोगे खत्म हो जाएगा, पूरा पढ़ लूंगा, पूरा पढ़ रहा हूँ, बोल बोल छक्का पड़ेगा, पूरा नहीं फिर ये पड़ेगा, एक तो पड़ेगा ना, देखो नहीं तो कल पढ़ लेना इतना। हाँ, कल पढ़। चलो अब आगे का पढ़ना है, रख दो इसे, साइंस का ये हम जो है ना, ये याद करना है, देखो बोलो डैश कवर द बर्ड एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड, कौन ढक के रखते हैं पूरी बॉडी को, फ्लाइट फेदर्स, ए डैश हैज अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, चौड़ी और ब्रॉड किसकी बीक होती है, डक की। किंगफिशर हेरॉन्स ईट, क्या खाते हैं, फिश, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स क्लॉज आर कॉल्ड, जो मांस खाते हैं ना, अभी इसका वाला पढ़ाया नहीं हमने, क्लॉ को क्या कहते हैं, अभी यहाँ से ना फ्लैश ईटिंग बर्ड्स की क्या कहते हैं, टैलेंस कहते हैं उनके क्लॉ को, अभी ये पढ़ा नहीं, अभी इस बार में पढ़ेंगे। वेडिंग बर्ड यानी जो पानी में चलते हैं, उनका नाम क्या है, हेरन्स और इग्रेट्स, बगुला। फ्लैश कौन खाता है, हॉक और ईगल। पर्चिंग बर्ड जो बताया, तार बार पे पकड़ के बैठ जाती है, क्या नाम है उसका, क्रो और स्पैरो। स्विमिंग बर्ड्स जो तैरते हैं, डक पेलिकंस, ये करवाया ना लेसन, हाँ ये बहुत पहले का है, ये तो आ चुका है, उन्होंने बताया नहीं मुझे, पता है कौन सा है, तो मैं तुमसे सिलेबस मांग रही हूँ ना, बार बार समझ नहीं आती क्या बात, मम्मी ने बोला मैं जब कल मैं भेज दूंगी, आज मैंने बोला था, आज बोला है, कल आ जाएगा, ये 1 अगस्त का है। चलो बोले क्या अपनी, क्या मैथ्स की दिखाओ, मैथ्स का काम करना है, मैथ्स की कॉपी,
हिंदी का तो दे दो, मैं लिख के रखूंगी फिर बाद में, आपका पहले भी करवाया हुआ है। साइंस की रख दो, साइंस की बैग में रख दो, कोई बात। अच्छा तुम्हारी मैथ्स की नहीं है अभी, हिंदी की, फिर इंग्लिश की बुक लाए और रीडिंग करा देती हूँ। एसएसटी दे दो, एसएसटी का रख कर लेना, कोई बात। एसएसटी की बुक दो फटाफट, एसएसटी की बुक दे दो, एसएसटी का याद कर लेंगे थोड़े आगे से ना। बैठ जाओ, मोदी जी चार पढ़ने वाले हैं, तनिष्का दीदी से कॉल करके बोल दो। बोल दिया मैंने, बोलो चेन्नई इज लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ, इन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स आर टू इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ चेन्नई। चेन्नई की दो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री कौन कौन सी है, कॉटन की और सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क का। अब ये वन वर्ड में, द नेम ऑफ द सी ऑन द कोस्ट ऑफ विच चेन्नई इज लोकेटेड, उस सी का नाम बताना है जो चेन्नई जिस समुद्र किनारे बसा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऐसा गंदा गंदा लिखा है, बे की स्पेलिंग क्या है, बी ए वाई, बी ई नहीं होता, बी ए बी ए वाई, ए बे ऑफ, बंगाल की क्या है, जी ए एल, बोलो बी एन जी एल होता है। द अर्लियर नेम ऑफ चेन्नई, चेन्नई को पहले क्या कहते थे, बोलो मद्रास, एम ए डी आर ए एस, मद्रास। द नेम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है फसल कटते समय जो मनाते हैं, क्या नाम है, पोंगल की स्पेलिंग क्या होगी, वेरी गुड। वेयर इज द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे, बोलो द कोरोमंडल कोस्ट इज इन तमिलनाडु, कहाँ पे, तमिलनाडु में। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन रोड ऑफ चेन्नई, चेन्नई की मेन रोड का नाम क्या है, द नेम ऑफ द मेन रोड, क्वेश्चन में से द नेम ऑफ द मेन रोड ऑफ चेन्नई इज, यहाँ तक क्वेश्चन में से लिख लेना है, अन्ना सलाई, मलाई मत लिख देना। नेम थ्री प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन चेन्नई, चेन्नई में कौन से तीन जगह है जहाँ देखने लायक है, बाहर से लोग आते हैं, द फिर क्वेश्चन में से लेना, द थ्री प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन चेन्नई आर द मरीना बीच, और तो दिखाई भी नहीं दे रहा, मेरी में कर लो, नहीं मैं यहाँ से देख लूँ, मेरी में देख लो, यहाँ पे था द MGM डिजी वर्ल्ड, द स्नेक पार्क, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे, द मैरीना बीच, द MGM समुद्र किनारे जगहों को कहा है, इतना बीच जो समुद्र वगैरह किनारे होता है, एंड द MGM डिजी वर्ल्ड, द स्नेक पार्क, तीन ही नाम बताने थे, ठीक है। व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ चेन्नई, चेन्नई के लोगों का मेन क्या खाते हैं, आगे तो पहले यहाँ से लिखना है क्वेश्चन में से, बोलो द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ चेन्नई इज राइस, राइस की स्पेलिंग क्या होती है, स्नेक पार्क की स्पेलिंग बताओ, अन्ना मलाई है, सलाई है, वेरी गुड। तमिलनाडु की क्या है, तमिलनाडु T A M I L, तमिल N A D U, आओ इधर, अरे इधर आ जाओ ना, T A M I L, तमिल